अपने पहाड़ी गीतों एवं बेहतरीन अदाकारी से युवाओं के दिलों पर राज करने वाली गायिका प्रियंका महर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन इस बीच प्रियंका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो एक पहाड़ी महोत्सव के किसी कार्यक्रम का है। सभी लोग प्रियंका के गाने का आनंद ले रहे हैं और फिर प्रियंका रुपसा रमौती गाना गाते हुए पब्लिक में बैठे लोगों की तरफ जाने लगती हैं। तभी पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं कि वो पब्लिक में ना जाएं। इससे कोई अनहोनी होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए पुलिस कर्मचारी उन्हें रोक देते हैं और वापस स्टेज में जाने को बोलते हैं। अब इस पर प्रियंका के फैंस का कहना है कि पुलिस ने प्रियंका को गेट आउट बोला और अच्छे तरीके से बात नहीं की। प्रियंका के फैंस को ये बात पसंद नहीं आई और वो पुलिस को दोषी ठहराने लगे। हालांकि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि पुलिस ने ऐसा कुछ बोला होगा, और अगर प्रियंका को पब्लिक के पास जाने से रोका तो ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि भीड़ में कुछ अनहोनी होने पर पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जाता। अब आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में क्या कमेंट आए हैं उन्हें पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, सही था तरीका, क्योंकि ये पब्लिक के पास जाती, पब्लिक इधर उधर होती तो फिर कांड होता कुछ, तो बात पुलिस वालों पे आती। एक यूजर ने लिखा, गेट आउट नहीं बोला, उसने बोला कि उस तरफ चले जाओ, भीड़ में मत जाओ, थोड़ा सिचुएशन भी समझो, कुछ भी डाल देते हो यार। पहाड़ी राही लिखते हैं, अपनी फेमस होने के लिए बड़े अधिकारियों के पास जाने की क्या जरूरत है। एक यूजर ने लिखा है, बिल्कुल सही था, अगर उसे कुछ हो जाता तो पुलिस जिम्मेदार, और पुलिस अगर अपना काम सही से करे तो उस पे सवाल क्यों, मतलब पुलिस को अब इस काम का याद दिलाना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।